जहां बीजेपी नेता प्रभात झा का निधन हुआ। 67 साल की उम्र में अंतिम सांस लिए झा ने। पिछले कुछ समय से ही चल रहे थे झा बीमार और मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। राज्यसभा से 2 बार सांसद रहे प्रभात झा और दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं झा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुँचा रहे, जहाँ आपको बताते चले कि बीजेपी नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। 67 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। झा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है? जहां बताया जा रहा है बीजेपी जो नेता है प्रभात झा, उनका निधन हो गया है। प्रभात झा नहीं रही है, गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 68 वर्षीय थे प्रभात झा, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है बीजेपी में संगठन में रहते हुए। न सिर्फ 2 बार वो राज्यसभा सांसद रहे बल्कि कई राज्यों का प्रभार भी उनके पास था। इसमें पंजाब, चंडीगढ़ के प्रभारी रहे हैं वो, दिल्ली के प्रभारी रही हैं, और एक महत्वपूर्ण छाप उन्होंने छोड़ी थी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले दिनों जब उनकी बीमारी बढ़ी थी तब उन्हें भोपाल से एयरलिफ्ट किया गया था, गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लेकिन आज ये दुखद खबर आई है और इसके बाद उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मूल रूप से प्रभात झा बिहार के रहने वाले थे लेकिन वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे और इसलिए वहां पर संगठन में काम करते हुए उन्होंने गहरी छाप छोड़ी थी। लेकिन आज प्रभात झा के निधन की खबर आई है और उसके बाद उनके शुभचिंतक, उनके जानने वाले, उनको जिन्होंने उनको करीब से देखा है, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी खूबियों को लेकर उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन दे रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।